अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। सो लास्ट हमारा जो पार्ट था मशीन लर्निंग का, जो मैंने लेक्चर पे किया था, पढ़ाया था, उसमें हमने देखा था कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। डिफरेंट फंक्शंस हमने देखे थे कि एक्टिवेशन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। डिफरेंस हमने पढ़ा था डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में। ठीक, और आगे मजीद हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़े थे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हमने क्लियर कर लिया था। देन मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हम अपने एग्जाम्पल्स पे चले जाते हैं। और अगर किसी ने, जो भी बच्चा है वो न्यू है मेरे चैनल पे, तो काइंडली मेरी प्रीवियस वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को फर्दर जो स्टेप्स हैं वो समझ आए। लेट सपोज अगर मेरे ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का कुछ पता नहीं है और वो डायरेक्ट एग्जाम्पल पर जंप कर जाता है, और मैं कुछ ऐसे वर्ड्स बीच में लूँ जैसे लेयरिंग यूज करूँ वर्ड, तो बच्चे को पता ही नहीं होगा कि लेयर्स होते क्या हैं। या अगर हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया, लेट सपोज अगर मैं ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ करती हूँ तो ड्रॉ ऐसे क्यों हुई, डिफरेंट तरीके से क्यों नहीं हुई, तो ईटीसी बहुत सारे पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स रह जाते हैं, याद नहीं होते, बंदा बच्चा रटा लगा लेता। तो ये चीज़ नहीं करनी। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पढ़ने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर पढ़े हुए होने चाहिए, आपने देखे होने चाहिए, आपको समझ आनी होनी चाहिए उस उन सारे लेक्चर्स की, और एग्जाम्पल समझने के लिए आपको इस बेसिक थ्योरी का पता होना चाहिए। ओके, अच्छा, अब हम आ जाते अपने एग्जाम्पल की तरफ। हमने ये भी पढ़ लिया था और ये हमारी एग्जाम्पल है। तो अब एग्जाम्पल में देखो, क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इनपुट नंबर है हमारे पास 110, आपके पास इनपुट नंबर क्वेश्चन में गिवन होगा, सही है। आउटपुट आपको दे दिया 1, कि आपके पास जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 यूनिट्स, आपको मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में यूनिट्स होते हैं। ओके, और आपके पास यूनिटेड आउटपुट आ रही होती है, तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि यूनिट आपके पास कितने हैं, 3 है। ठीक है, और आउटपुट आपकी कितनी आएगी, 1 आएगी, सही है। एल की वैल्यू आपका हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, जो भी क्वेश्चन आपका एग्जाम आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें आपको टीचर जो आपको प्रोफेसर होंगे वो भी आपको एल की वैल्यू गिवन देंगे। यहाँ पे मैंने 0.9 रखी है, आपको कुछ भी हो सकती है, चेंज हो सकती है। और अगर बाय डिफॉल्ट लेट सपोज एल की वैल्यू नहीं गिवन, तो आप उसको बाय डिफॉल्ट 1 रखोगे। ओके, देन आपके पास वेट गिवन है, वेट 1.4 जो है वो 1.5, 2.4, 2.5, 3.4, 3.5, 4.5, 4.6 एंड 5.6। ओके, ये हो गया आपका वेट। तो मतलब पता क्या चल रहा है, लाइक 1.1.1 भी 4 से कनेक्ट है, 1.5 से कनेक्ट है, मतलब कि आपकी, अब आपने पार्ट 1 में आपको बताती हूँ, समझाऊंगी कैसे। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। देन आपके पास 3 थीटा की वैल्यू है, मैंने थीटा यूजली मैं ऐसे लिखती हूँ, लेकिन मुझे था कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है थीटा है। ओके, थीटा 4, थीटा 5 एंड थीटा 6। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पूछ कह रहे हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 चीजें आप बतानी चाहिए, 4 चीजें आपको बतानी चाहिए। तो 4 चीज है वो हम खुद, अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताओगे, अगर नहीं पूछी जाए तो आप नहीं बताओगे। ओके, अच्छा, फर्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्ट न्यूरल नेटवर्क, आपने न्यूरल नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना होगा, डायग्राम बनानी होगी। सेकंड है कैलकुलेट नेट इनपुट एंड आउटपुट, आपने नेट इनपुट और आउटपुट वैल्यूज फाइंड करनी है। कैलकुलेट एरर, ठीक है, आपने एरर फाइंड करना है। ये 3 चीजें आपने फाइंड करनी है जो कि न्यूरल नेटवर्क के क्वेश्चन में कंपलसरी होती है। ओके, पहला हम न्यूरल नेटवर्क कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट कैसे होगा, पार्ट 1, पार्ट 1 हम सॉल्व करें, तो पार्ट 1 मैंने लिख दिया, मैंने देखा अच्छा 1.4 से कनेक्ट है, 1.5 से कनेक्ट है। ठीक है, मैंने 1 अपनी एक लेयरिंग में 1 यूनिट बनाया, उसके बाद 4 यूनिट बनाया और 5 यूनिट बनाया, क्योंकि 1 आगे कनेक्ट है ना, नीचे, इसके नीचे नहीं बना सकती थी मैं, आगे मैंने उसे बनाया 4 और 5। मैंने 1 को 4 से भी कनेक्ट कर दिया, 1 को 5 से भी कनेक्ट कर दिया। अब आगे आ गया 2 4 से कनेक्ट है, 2 5 से कनेक्ट है, मैंने 2 बनाया 2 लिखा और 2 को 4 से और 5 से कनेक्ट कर दिया। ठीक, इसी तरीके से 3 भी 4 के साथ कनेक्ट है, 3 भी 5 के साथ कनेक्ट है, तो मैंने एक 4 यूनिट बनाया 3, और देन उसको 4 5 के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये देखना है कि सारी लेयरिंग को मिक्स नहीं कर देना। लेयर 1 पे मैंने 1 2 3 रखा, क्यों, क्योंकि देखो 1 4 से 1 5 से, 2 4 से 2 5 से, 3 4 से 3 5 से कनेक्ट है, मतलब कि 1 2 3 ऐसी वैल्यूज हैं जो कि तीनों वैल्यूज 4 और 5 से कनेक्ट हैं। तो आपने 1 2 3 वैल्यूज लिखी और वो तीनों वैल्यूज 4 5 से कनेक्ट है, आपने सामने एक लेयर बनाई जो कि ये वाली लेयर, वो हमारी क्या होगी, इनपुट लेयर, 4 5 आपकी क्या होगी, हिडन लेयर, और 6 आपकी क्या हो जाएगी, आउटपुट लेयर। ठीक, अभी मैं बताती हूँ, जब हमने 1 को 4 से कनेक्ट किया तो मैंने इसका वेट लिख दिया, वेट नंबर 1 4। जब मैंने 5 से कनेक्ट किया तो वेट 1 5। जब मैंने 2 को 4 से कनेक्ट किया तो W 2 4। ठीक है, जब मैंने 5 से कनेक्ट किया 2 को तो W 2 5। इसी तरीके से 3 4 एंड 3 5। ओके, ये तो हो गया हमारा इनपुट लेयर से हिडन लेयर तक का काम। अब आगे जब हम आगे बढ़े अपने मूव के अपने टेबल पे, तो W 4 6 और 5 6, मतलब 4 और 5 है वो आगे एक नंबर से कनेक्ट है, मतलब कि 4 और 5 एक नंबर से कनेक्ट है, विच इज 6।
अब ऐसे भी हो सकता था 4 6 से कनेक्ट है, 5 6 से कनेक्ट है, 4 7 से कनेक्ट है, 5 7 से कनेक्ट है, तो फिर क्या होता है आपके पास एक और यहाँ पे एक लेयर आती, सॉरी लेयर के अंदर एक और यूनिट आता 7, और आप इसको भी 7 से भी कनेक्ट करते, और फिर आगे जाके क्या पता 6 8 से कनेक्ट और 7 8 से कनेक्ट, तो फिर आप उसको 8 से कनेक्ट, मतलब लेयरिंग आपके पास ज्यादा हो सकती है। लाइक अब यहाँ पे इनपुट लेयर एक है, हिडन लेयर एक है, आउटपुट लेयर एक है, इनपुट और आउटपुट लेयर जो होती है वो एक ही होती है, लेकिन हिडन लेयर आपके पास काफी सारी हो सकती है, ओके मल्टीपल हो सकती है। अब x1 x2 x3 क्या है, x1 x2 x3 वो इनपुट वैल्यूज है जो क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगी, 110, तो मैंने उसको ऑर्डर वाइज 110 लग दिया, ठीक। अच्छा अब आगे हम मूव करते हैं, पार्ट वन हमारा हो गया कंस्ट्रक्ट न्यूरल नेटवर्क, तो मैंने कंस्ट्रक्ट न्यूरल नेटवर्क बना दिया, मैंने दोनों पिक्चर्स को आमने सामने से रखा था कि आप क्वेश्चन देख के इजिली कंस्ट्रक्ट कर सको अपने न्यूरल नेटवर्क को। सेकेंड पार्ट में मूव कर देते हैं, सेकेंड पार्ट में मूव करना है, अब ये जो ये वाली और ये वाली पिक्चर, ये दोनों एक टेबल है, ठीक है, अलग अलग मत बनाना मैंने, क्योंकि अगर मैं इस पूरी पिक्चर को एक साइड में रख रही थी तो बहुत छोटी आ रहे थे मुझे, था कि मोस्टली बच्चे फोन से पढ़ते हैं, उनको नजर भी नहीं आएगा कि लिखा हुआ क्या है, दैट्स व्हाई मैंने इसको स्प्लिट कर दिया था, तो ये है टोटली एक ही टेबल है, ओके। पार्ट टू में क्वेश्चन में क्या पूछा था, कैलकुलेट नेट इनपुट एंड आउटपुट, अब मैं नेट इनपुट और नेट आउटपुट फाइंड कर रही हूँ, ओके। पहले अब नेट इनपुट और आउटपुट किसके लिए फाइंड होता है, आपके हिडन लेयर के लिए और आउटपुट लेयर के लिए, कभी भी इनपुट लेयर के लिए आपके पास नेट इनपुट और आउटपुट फाइंड नहीं होता, ठीक है, कीप दैट इन योर माइंड के इनपुट लेयर पे आप नेट इनपुट और नेट आउटपुट फाइंड नहीं कर सकते, हमेशा हिडन और आउटपुट लेयर पे फाइंड करते हो, ओके। तो अब मेरे पास हिडन लेयर में, पहले हिडन लेयर लिख रहे थे, हिडन लेयर में मेरी कौन सी वैल्यू थी 4, तो मैं नेट इनपुट आई जे जो है वो i4 के लिए फाइंड कर रही हूँ, मतलब आई और जे क्या है 4, तो i4 लिखा इक्वल्स टू w14 x1 plus w24, मतलब 4 पे कौन, 4 किस किस के साथ कनेक्ट है वो लिख दिया मैंने, 4 1 के साथ कनेक्ट था, 4 2 के साथ कनेक्ट था, 4 3 के साथ कनेक्ट था, ठीक है, तो इसका मैं लिखा w14 w24 w34 x1 x2 x3 प्लस आया बीच में और θ4, क्योंकि इसकी 4 की वैल्यू हमारे पास दी हुई थी। अब एक पॉइंट ये भी है देखो, अब इनके अगर मैं फाइंड करूँ नेट इनपुट, तो θ1 θ2 θ3 तो है ही नहीं मेरे पास, ठीक है, बेशक ऑल दो मेरे पास 1 4 1 5 है, लेकिन मेरे पास थीटा की वैल्यूज गिवन नहीं है, तो मुझे थीटा चाहिए, तो थीटा हमेशा गिवन होता है आपके पास हिडन लेयर से आउटपुट लेयर तक की वैल्यूज का थीटा आपके पास गिवन होता है, ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूले को समझना, आपने जैसे 4 के लिए मैं देखी थी, तो 4 के साथ कनेक्टेड सारी वेट्स आपने लिख लेने हैं, w14 x1 plus w24 x2 plus w34 x3 plus θ4, अब आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है एक एक करके, 1 4 की वैल्यू क्या थी 0.2 और x1 की वैल्यू क्या थी, देखो मैं यहाँ बता देती हूँ, 1 4 की 0.2 और x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखोगे 1, x2 की वैल्यू 1 है और x3 की वैल्यू 0 है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से किया, 0.4 × 1 −0.5 × 0 + −0.3, जब मैंने ये सारी चीजें पुट कर ली, θ4 की वैल्यू −0.3 पुट कर ली, जब मैंने उनको कैलकुलेट किया तो मेरे पास i4 की वैल्यू आ गई −0.3। अब नेट आउटपुट फाइंड करना है किसका, लेयर 4, मतलब लेयर 4 पे जो यूनिट 4 है, ठीक है, सॉरी हिडन लेयर पे जो यूनिट 4 है उसका। अच्छा अब आपने देखो यहाँ पे हम क्या फाइंड करे थे, i4 विच इज इनपुट नेट इनपुट, अब o4 फाइंड कर रहे हैं विच इज नेट आउटपुट, तो इसके लिए फार्मूला होता है ये, देखो हमने सिग्मॉइड फंक्शन लगाया हुआ है, सिग्मॉइड फंक्शन मैंने बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, एक्टिवेशन फंक्शन में से हम जो यूज करेंगे वो फिलहाल है सिग्मॉइड फंक्शन, विच इज टफ, ओके, थोड़ा बहुत मुश्किल है बाकी सारे फंक्शन से, दैट्स व्हाई वाला फंक्शन जो है वो मैंने अप्लाई करवाया इस क्वेश्चन में, ओके। अच्छा 1 / (e − i4), मतलब ये चीजें आपने ऐसे तक नहीं, कैलकुलेटर पे आप प्रॉपर इस फॉर्म पे लिख सकते हो, 1 / (1 + e) लिख कर, और आपने −i4 की वैल्यू जो आपने निकाली इनपुट 4 की −0.3 वो मैंने यहाँ पुट कर दी, माइनस माइनस जो ये वाला माइनस था और ये वाला माइनस प्लस हो गया 0.3, और मेरे पास वैल्यू आ गई 0.574, ठीक है। अब इसी तरीके से हम सेकेंड जो यूनिट था 4 5 था हिडन लेयर पे, उसके लिए फाइंड करूंगी मैं i5 w15 x1 w25 x2 w35 x3 + θ5, वैल्यूज पुट मैंने की 0 −0.3 × 1 + 0.1 × 1 + 0.2 × 0 + −0.3 विच इज इक्वल टू −0.5, i5 की वैल्यू आ गई। अब नेट आउटपुट 5 फाइंड करते हैं वैल्यू 5 के लिए, o5 = 1 / (1 + e − i5 की वैल्यू जो मैंने लिखी यहाँ पे, तो मेरा आ गया 0.377, तो ये आ गई मेरे पास आउटपुट 5 की वैल्यू। अब जो आपके पास इनपुट तो लेयर, आपके पास हिडन लेयर तो हो गई कवर, अब आपके पास आ गई आउटपुट लेयर, लेट सपोज आपके पास अगर होता
4, 5, 6, 7, 8 हो जाता, ठीक है। तो 4, 5, 6, 7 के लिए तो आप यही वाला काम करते हैं, लेकिन 8 जो आउटपुट लेयर उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस होता, थोड़ा सा मेथड डिफरेंस होता। अब वो डिफरेंस कैसे होगा, i6 आप कैसे फाइंड कर रहे हो, i6 इक्वल्स टू w46, मतलब कि 6 के साथ जो कनेक्ट था वो θ4, ओके, प्लस w56 मतलब 6 के साथ 5 कनेक्ट था, और θ5 प्लस, अब आप पहले जब देखोगे, अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे क्या पुटिंग कर रहे थे, x1 x2 x3 ये पुट कर रहे थे हम, ठीक है, ये चीजें पुट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इनपुट लेयर थी उसके साथ हमारे पास x की वैल्यूज गिवन थी। अब जो हमारे पास इनपुट लेयर है 4 और 5, ठीक है, यहाँ पे इनपुट लेयर क्या थी, 1 2 3 थी, लेकिन यहाँ पे अब इनपुट लेयर क्या आ रही है, 4 और 5, तो इनके साथ तो एक्स की वैल्यू गिवन ही नहीं है। अब इनके साथ कौन सी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, थीटा की वैल्यूज गिवन है, θ4 θ5, दैट्स व्हाई मैंने θ4 θ5 लिखा, प्लस θ6 लिखा, जो कि ऑलरेडी फॉर्मूले में चलता आ रहा है। वैल्यूज पुट की, -0.3 × 0.574 प्लस -0.2 × 0.377 प्लस 0.1 विच इज इक्वल टू -0.1476। सेम उसी तरीके से O6 फाइंड करेंगे, एरर वो सॉरी आउटपुट फाइंड करेंगे, और उसके बाद हमने I6 की वैल्यू जब पुट की तो हमारे पास आ गया 0.463, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि हमने नेट न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाना है, सेकंड पार्ट में हमने देखा कि नेट इनपुट और आउटपुट कैसे कैलकुलेट करना है हिडन लेयर के लिए और आउटपुट लेयर के लिए। अब हम पार्ट 3 पे आ जाते हैं, विच इज एरर, ठीक है। तो एरर हम कैसे फाइंड करेंगे, एरर आप इनवर्स में चलते हो, लाइक पहला आपकी आ जाती है आउटपुट लेयर के यूनिट, ठीक है, यूनिट का जो आउटपुट लेयर का यूनिट है वो लिखोगे, फिर देन आपकी हिडन लेयर्स आती हैं, सही है, और इनपुट लेयर का कोई अमल दखल नहीं है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे अपनी आउटपुट लेयर लिखी 6, यूनिट 6, फॉर्मूला क्या है, एरर जे मतलब कि एरर 6 इक्वल्स टू OJ O6 इंटू 1 माइनस OJ आउटपुट ऑफ जे मतलब O6 जो आपने फाइंड किया है, ठीक है, ठीक है, माइनस टारगेट वैल्यू में भी -0 J 0 सॉरी OJ, तो OJ मतलब कि आउटपुट ऑफ 6। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, जहां जहां J था वहां वहां आपने 6 पुट कर दिया। O6 की वैल्यू आपने प्रीवियसली निकाली 0.463, ठीक है, 0.463 0.463 0.463, जब आपने सबको कैलकुलेट किया तो आपके पास एरर आ गया 6 की यूनिट के लिए 0.1335, ठीक है, मतलब कि कुछ एरर आ रहा है आपके पास अगर आप ये ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, ये वाला जो चीज आपने ड्रॉ की है इससे ले। अब आप इनवर्स चल रहे हो, पहले आप यूं गए हो, यहाँ से इस साइड पे मूव किया आपने नेट इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है। अब एरर फाइंड करने के लिए आप रिवर्स बैक जाते हो, तो अब आपने देखा है कि 6 से आपका नेट न्यूरल नेटवर्क तो ड्रॉ हो गया, लेकिन 6 जब आप देखोगे आउटपुट से, अगर मैं रिवर्स बैक चल रही हूँ तो मेरे पास 0.3 समथिंग समथिंग का एरर जनरेट हो रहा है, मतलब कुछ पॉइंट्स, कुछ 0 पॉइंट्स में मेरे पास एरर आ रहा है अभी भी फिलहाल, ठीक है। तो 0.1335 एरर आया है मेरे पास 6 से 6 तक, मतलब 6 लेयर पे, ओके। उसके बाद आ गई 5 मतलब यूनिट 5 हिडन लेयर। अब ये जो थी आपकी, ये आपके पास है एक्सटर्नल, ठीक है, ये लेजर मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से पेन देना था, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एक्सटर्नल लेयर है, ओके, ये क्या है आपके पास एक्सटर्नल लेयर, और ये दोनों क्या है, ये है आपके पास इंटरनल लेयर्स, ठीक है। इंटरनल्स वो होती हैं, इंटरनल मैं बता देती हूँ, जैसे ये है, अब ये आपके पास जो आखिरी आउटपुट लेयर थी, ठीक है, आपके पास आखिरी थी, तो ये किस में आ जाती है, एक्सटर्नल में, और आपके पास जितनी भी हिडन होंगी बीच में वो किस में आएंगे, इंटरनल में, क्योंकि ये देखो यहाँ से यहाँ तक जो आपके पास न्यूरल नेटवर्क बना उसके बीच की जो लेयर आएगी, जो भी लेयर्स आएंगे, जो भी यूनिट आएंगे वो किस में आएंगे, इंटरनल में, और जो आखिरी होगा जो आउटपुट होगा वो किस में आ जाएगा आपके पास, एक्सटर्नल में, ओके। बल्कि मैंने सारा रेज करना था, इसको रेज कर देते हैं, ओके। तो अब वापस जाते हैं, ठीक, तो मैंने बता दिया एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है एरर जे ओ जे इंटू 1 माइनस ओ जे, ठीक है, -O J, तो ओ जे जे की जगह जहाँ पे आपको जो भी आप यूनिट फाइंड कर रहे हो वो यूनिट की वैल्यू पुट करो, अगर देन आपके पास आउटपुट वैल्यू प्रीवियस आपने नेट आउटपुट से निकाली होगी वो पुटिंग करोगे तो आपके पास आ गया। अब इंटरनल के लिए बात करते हैं, इंटरनल के लिए भी आपके पास कुछ डिफरेंस नहीं है ज्यादा, वही ओ जे इंटू 1 माइनस ओ जे, यहाँ तक तो वही काम चल रहा है सेम। आगे क्या किया, समीशन एन जे इक्वल्स टू 1, एरर रेट ऑफ जे, ठीक है, वेट ऑफ IJ, अब इसका क्या मतलब है, आप एरर फाइंड कर रहे हो 5 के लिए, आपने जे की जगह 5 पुट किया, जे की जगह 5 पुट किया, सबमिशन एरर आप फाइंड कर रहे हो कि 5 से लेके 6 तक का एरर बताओ मुझे, ठीक है, 5 से लेके
सिक्स तक का एरर। तो एरर पे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जे की जगह सिक्स, मतलब जो जो फाइव जिस नोड से कनेक्ट है वो, और आई जे, आई की जगह वो आएगी वैल्यू जो कि फाइव ऑलरेडी चल रही है, और जे जो फाइव जिससे कनेक्ट है, वेट ऑफ फाइव सिक्स। ओके, ऐसे याद कर लेना जब आप एरर हिडन नोड का फाइंड करोगे, हिडन यूनिट का फाइंड करोगे, हिडन लेयर पे। ओके, तो फाइंड ऐसे कर लेना कि ओ फाइव ओ। अच्छा, तो हमने फिर क्या किया यहाँ पे, सारों को ना कैलकुलेट कर लिया, सॉल्व कर लिया। अच्छा, फिर अब हम आए, अब सेम वही प्रोसेस जो हमने फाइव के लिए किया था वही हम फोर यूनिट के लिए करेंगे। एक्सटर्नल के लिए मैंने बताया था कि एक्सटर्नल वाले के लिए फार्मूला चेंज है और इंटरनल वाले के लिए फार्मूला चेंज है, दोनों फार्मूला आप लोगों ने नोट कर लेने। सेम उसी तरीके से जे की जगह मैंने फोर पुटिंग की है, ठीक है, ओ फोर, और आउटपुट फोर की वैल्यू आएगी। सबमिशन के बाद फोर जिससे कनेक्ट था वो एरर ऑफ सिक्स, विच इज हमने फाइंड किया, और डब्ल्यू फोर सिक्स हमने वैल्यू पुट करके और एरर ऑफ फोर भी फाइंड कर लिया। अब जो इसके बाद वाला पार्ट है वो मे बी आपको गिवन हो क्वेश्चन में, मे बी ना हो, ठीक है। तो अगर पूछा जाए तो आप बता दें, अगर नहीं पूछा जाता तो आप बेशक ना बताएं। कंप्यूट न्यू वैल्यूज, थीटा सिक्स के लिए नई वैल्यू बताएं और डब्ल्यू फोर सिक्स के लिए आप मुझे नई वैल्यू बताएं। अब थी डब्ल्यू फोर सिक्स के लिए अगर मैंने न्यू वैल्यू जनरेट करनी तो मैं कैसे करूंगी, डब्ल्यू फोर सिक्स प्लस एल जो क्वेश्चन में गिवन था वो एरर ऑफ सिक्स, मतलब जो फोर जिससे कनेक्ट है ना आगे, जिस जिसकी वैल्यू कही गई है, आपने एरर लिखना है और जो पीछे वाली वैल्यू है उसकी आउटपुट वैल्यू, ठीक है। दोबारा से मैं बता रही हूँ, डब्ल्यू फोर सिक्स की नई वैल्यू के लिए डब्ल्यू फोर सिक्स पुरानी वी एल वैल्यू वो प्लस एल जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, फोर जिससे कनेक्ट है, मतलब ऐसे याद करो ना, जो सेकंड में आ रहा है सिक्स उसका एरर और जो फर्स्ट में आ रही वैल्यू उसका आउटपुट, ठीक है। तो क्या होगा, डब्ल्यू फोर सिक्स प्लस एल एरर सिक्स आउटपुट फोर। तो आपने सारी वैल्यूज पुटिंग की प्रीवियस देख कर, आपने इसको सब सम अप किया तो आपके पास आ गया -0.23231, डब्ल्यू फोर सिक्स की न्यू वैल्यू जनरेट होगी। इसी तरीके से थीटा सिक्स की वैल्यू आपने फाइंड करी तो थीटा सिक्स में थीटा सिक्स ही आएगा प्लस एल आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन था और एरर ऑफ सिक्स। ये सिंपल है, ठीक है, यहाँ तक वही काम हो रहा है। यहाँ पे मतलब थी, यहाँ पे डब्ल्यू फोर सिक्स जगह जो आपने वैल्यू थीटा की थीटा आया, यहाँ पे डब्ल्यू है तो यहाँ पे डब्ल्यू आया, एल एरर सिक्स एल एरर सिक्स, और यहाँ पे बस ओ फोर था तो यहाँ ओ फोर नहीं आया, और इस तरह। तो आप अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि मुझे थीटा फाइव और डब्ल्यू फाइव सिक्स की न्यू वैल्यू जनरेट करके दे, तो वह आप लोगों का होम टास्क है। आपने इसके बाद वो खुद से सॉल्व करना और देखना है कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, क्या आप फॉर्मूला ठीक पुट कर भी रहे हो या नहीं। तो आज के लेक्चर हमारा यहीं तक था, आई होप कि आपको आज के क्वेश्चन समझ आया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।